डियर स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर कर रहे थे कंटिन्यूटी। उसमें मैंने बेसिक्स बताए थे, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, राइट हैंड लिमिट क्या होता है। ओके, और फिर जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होते हैं तो जाके लिमिट एग्जिस्ट करता है, और अगर दोनों इक्वल नहीं है तो डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। उसके बाद हमने कंटिन्यूटी की डेफिनेशन बताई थी कि व्हेन अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट। ओके, आज और हम इससे थोड़ा सा रिलेटेड और थ्योरी बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस फ्रॉम लेफ्ट एट ए पॉइंट एंड व्हेन अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस फ्रॉम राइट एट ए पॉइंट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन from left at a point। ओके, देखिए कंटिन्यूटी के लिए मैंने ये बताया था, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो उसमें ये मैंने बताया था डेफिनेशन से निकाल के रिजल्ट कि एट अ पॉइंट ए एक्स टेंडिंग टू ए माइनस एफ एक्स, ये कौन सी लिमिट थी, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए प्लस एफ एक्स इट इज राइट हैंड लिमिट एंड एफ ऑफ ए, राइट। देखिए ये लेफ्ट हैंड लिमिट अगर एफ ए के इक्वल है देन द फंक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूअस फ्रॉम लेफ्ट, और सिर्फ राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए इक्वल है देन द फंक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूअस फ्रॉम राइट, राइट। तो यहां पे देखिए ए फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड कंटिन्यूअस इज कॉल्ड कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू ए फ्रॉम लेफ्ट, इफ इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है ये is equal to f of e, right? We can have here a function of x is called continuous at x is equal to a from left if left hand limit is equal to f of a, and continuity of a function from right se kab kehlaya to dekhiye a function of x is called continuous at x is equal to a from right if yahan se kaun si limit le lijiye right hand, okay, so when the left hand limit is equal to f of a function is called continuous at a point from left, or jab right hand limit f of a ke equal ho then the function is called continuous at that point from right, okay। तो ये हो गया कंटिन्यूटी फ्रॉम लेफ्ट एंड कंटिन्यूटी फ्रॉम राइट। थोड़ा सा और बता दें, ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल के बारे में भी मैंने बताया था, आपने 11th में भी पढ़ा हुआ है इसे, व्हाट और व्हाट इज ओपन इंटरवल एंड व्हाट इज क्लोज इंटरवल, राइट। देखिए कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन इन इंटरवल्स intervals, okay, in open intervals and in closed interval, okay, ध्यान दीजिए, a function of x is called continuous in open interval ab if it is continuous at every point of AB। ओपन इंटरवल्स में आपको पता होना चाहिए देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स पर डिफाइन किए गए हैं। यदि ओपन इंटरवल के हर एक पॉइंट पर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस होता है देन दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस इन दैट ओपन इंटरवल। ओके, अब इसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, ओके,
but it is written given a function is called continuous in a open interval, in an open interval. Okay. Now in closed interval, a function f(x) is called in intervals. My first ho gaya in open interval, right? Now second, a function f(x) is called continuous in closed interval AB. Closed interval AB में कब कहलाएगा? If it is, इसको parts में बांट दीजिए. First part, it is continuous at every point of open. Closed में होने के लिए closed interval तो open interval included होता है, right? केवल A और B points extra आ जाते हैं, right? Extreme points. Second one. Fx is continuous at x is equal to a from right. ध्यान रखिएगा, अभी मैंने बताया था कि when a function is continuous from right and when a function is continuous from left, right? And third, fx is continuous at x is equal to a from left, right? किसी closed interval में continuous होने के लिए एक तो open interval में continuous होना चाहिए और इसके extreme points कौन से हैं? A और B. तो A पर from right से continuous होना चाहिए और B पर from left से continuous होना चाहिए. Then that function is called continuous in closed interval A. राइट, इसे अगर आप ध्यान रखते हैं तो ये जानकारी सारी बेसिक क्लासेस में भी काम आएगी. ओके, यहाँ तो है. अब आप लोगों की बुकों का एक्सरसाइज, जो पहली एक्सरसाइज है, दैट इज मोस्टली बेस्ड ऑन लिमिट्स. जो लिमिट हमने कंसेप्ट कल बताए थे, एक्सरसाइज आपकी है 6.1, राइट? जो कंटिन्यूटी की एक्सरसाइज आपकी बुक में है, दैट इज 6.1. ओके, तो बीच बीच के कुछ क्वेश्चंस मैं बता दे रहा हूँ, आप एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. ओके, प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, आई थिंक सो. ओके, तो लिमिट पे बेस्ड है, तो कहीं एग्जिस्ट अगर कहता है कि इज लिमिट एग्जिस्ट, इट मींस हमें चेक करना होगा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने होंगे. तो अगर दोनों इक्वल हो जाए तो लिमिट एग्जिस्ट, और इक्वल ना हो तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. कंटिन्यूअस कहीं आता है तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और एफ ऑफ ए तीनों निकालने होंगे, तीनों इक्वल होंगे. If all three are equal, then that function is called continuous. Otherwise, discontinuous, not continuous. Okay? So, questions देखे जाए. First of all, question number one. देखिए आपकी बुक में question number one क्या लिखा है? A function f(x) is defined as follows. Exercise 6.1 है. Okay? बुक आप सर्टेनली जानते हैं, नालाजी पर भी क्वेश्चन की है. देखिए एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1, अ फंक्शन ऑफ एक्स इज डिफाइंड एज फॉलोज. ए फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड एज फॉलोज. फंक्शन दे दिया, एफ एक्स इज इक्वल टू 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, माइनस 1 इफ एक्स इज लेस देन 0, एंड 0 इफ एक्स इज इक्वल टू, राइट? ये फंक्शन है. प्रूव दैट, ये है क्वेश्चन, देख लीजिए अब क्या लिखा है. प्रूव दैट लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट. ये आपका क्वेश्चन नंबर 1. लेकिन क्वेश्चन से नहीं है, क्वेश्चन नंबर 1 2 4 5 मेथड आने चाहिए. क्वेश्चन किसी बुक का हो, कोई राइटर्स हो, डजंट मैटर. ओके, ये क्वेश्चन आपके सामने है. गिवन फंक्शन ये है, लिमिट पे क्वेश्चन कि अगर हम लिमिट x टेंडिंग टू 0 f(x) निकाले तो डज नॉट एग्जिस्ट. मतलब क्या हुआ? लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आई, दे आर नॉट इक्वल. देन वी से दैट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. इक्वल आएंगे, then we say that the limit exists, right? So, this state means we have to find two limits, left hand limit as well as right. Okay? First of all, left hand limit. Okay? This
लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए। एक बात और क्वेश्चन पे समझिए, ये क्या कह रहा है कि जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी राइट तो हम 1 लेंगे fx की। fx की वैल्यू 3 दी हुई, देयर आर 3 वैल्यूज आर गिवन ऑफ fx। fx इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, fx इज इक्वल टू -1 व्हेन x इज लेस देन 0, नेगेटिव वैल्यूज के लिए -1, और व्हेन f ऑफ x इज 0 देन fx इज टेकन एज 0। इसकी नीड तो नहीं पड़ेगी, ये मोस्टली जरूरत पड़ती है कंटीन्यूअस में। x = 0 पे जो पॉइंट है वैल्यू है f(x) की वो 0 है, इट मींस f ऑफ 0 = 0, इसकी नीड या लिमिट में जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, बट इट इज फंक्शन इज डिफाइंड एज फॉलोस। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट लेफ्ट हैंड राइट। एक चीज और यहां बता दें जो मैंने बताया हुआ था, इस क्वेश्चन को हम बाद में बताते हैं, एक जानकारी और देखिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड राइट। ये ध्यान रखिएगा पॉइंट, चाहे वो कंटिन्यूटी में हो चाहे डिफरेंशिएबिलिटी में आप आगे जब करेंगे, और लिमिट कहीं भी हो, लिमिट में हो, कंटिन्यूटी में हो और डिफरेंशिएबिलिटी में, ये जो पॉइंट्स बता रहे हैं वो हर जगह काम आएगा लिमिट से रिलेटेड राइट। क्योंकि डिफरेंशिएबिलिटी जब अगला चैप्टर हम लोग करेंगे वहां भी लिमिट कर रहे हैं, तो लिमिट इज फाउंड इट्स ऑलवेज स्ट्रॉन्ग और नथिंग कुछ नहीं आसान है तो इसी देखिए कैसे। लेफ्ट हैंड लिमिट की हमने ये बताया था एट पॉइंट ए, ए माइनस एफ एक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका प्रोसीजर क्या करते हैं, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो राइट। सबसे पहले देखिए और एच टेंडिंग टू जीरो लेने के बाद जो एक्स है दैट इज रिप्लेस बाय ए माइनस एच, ए माइनस लिखा हो तो ए माइनस एच, मतलब जहां एक्स होगा उसे किसे रिप्लेस कर दीजिए, ए माइनस एच। ध्यान रखिए इस पॉइंट से राइट, ये पॉइंट ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम नहीं है ये। अगर ये ए माइनस है क्या करना है, टेक s टेंडिंग टू 0, ये सब्स्टिट्यूशन से होता है, टेक s टेंडिंग टू 0 एंड रिप्लेस x बाय a माइनस h, a माइनस है तो a माइनस h से रिप्लेस करो और आगे पूछिए, अगले क्वेश्चन पर करेंगे राइट। हम आज क्वेश्चन सफिशिएंट क्वेश्चंस सॉल्व करके दिखाएंगे। नेक्स्ट जो थी राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस fx, ये सिंपल किसका था, राइट हैंड लिमिट का राइट। क्या करते हैं देखिए, सिमिलरली x टेंडिंग टू 0 एंड x इज रिप्लेस्ड बाय a प्लस h, अगर राइट हैंड लिमिट है तो a प्लस लगा होता है, a प्लस h फंक्शन ऑफ a प्लस h क्लियर हो जाना चाहिए। x इज रिप्लेस्ड बाय a माइनस h और लेफ्ट हैंड लिमिट, और आप देख सकते हैं कि राइट हैंड लिमिट में a प्लस h से रिप्लेस करने के बाद क्या होता है। ओके, क्वेश्चंस बताइए इससे ध्यान रखना चाहिए। ओके, हर जगह लिमिट में यही करना है राइट। नेक्स्ट देखिए हम अब क्वेश्चंस कर सकते हैं, बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का दिया था, ये दिया था, दोबारा मैं क्वेश्चंस का ऑप्शन दे रहा हूं, वन इफ x इज ग्रेटर देन 0, माइनस वन इफ x इज लेस देन 0 एंड 0 इफ x is equal to, ये क्वेश्चन था, लिमिट किस पे निकालनी थी ये प्रूव करना था, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये था लिमिट x टेंडिंग टू 0 एंड x डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब जो लिमिट निकालनी हो किस पॉइंट पे निकालनी है, 0 पे, 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट 0 माइनस, 0 पे राइट हैंड लिमिट 0 प्लस। ओके, देखिए सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, ओके x इज ऑफ जानकारी होनी चाहिए a प्लस 0 या a प्लस h जो हम लोग लिखते हैं अभी मैं बता दूंगा। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, क्योंकि पॉइंट 0 है, a की जगह 0, 0 माइनस fx, x टेंडिंग टू 0 माइनस, 0 माइनस मींस 0 से लेस और 0 प्लस मींस 0 से ज्यादा, मोर देन 0 लेस देन 0, 0 माइनस मींस लेस देन 0, ये x is less than 0, 0 minus means less than 0, 0 plus means greater than 0 right। तो ध्यान रखिए यानी फंक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये लीजिए मैंने बताया x की वैल्यू 1 कब होगी, when x is greater than 0, fx will be taken as minus 1 when x is less than 0, x is less than 0, 0 minus means less than 0, यानी fx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, minus 1, limit x tend into 0 minus यहां minus 1, ये fx की वैल्यू।
एक्स नहीं है तो रिप्लेसिंग की जरूरत भी नहीं पड़ती, राइट। देखिए रिप्लेसिंग की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, एक्स ऑफ दैट टर्म हम रिप्लेस करते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह रिप्लेस करना था 0 माइनस h, लेकिन x इसमें नहीं है तो माइनस 1 है, स्टिल माइनस। और चूंकि h इसमें है नहीं तो h की जगह 0 नहीं रखना है, ओके, इट मींस इट इज माइनस, राइट। x को रिप्लेस करना था मैंने अभी बताया, इसमें x नहीं है हम नहीं रिप्लेस करेंगे, और h की जगह 0 रखना था, h नहीं है तो h इज इक्वल टू, राइट। नेक्स्ट बताते हैं कौन सा, राइट हैंड लिमिट, अगेन अगेन लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f(x), राइट। अभी x में भी क्वेश्चन हम कराते हैं और क्लियर हो जाएगा। 0 प्लस मींस x की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन 0, द वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 पे x की वैल्यू कितनी होती जाएगी, 1। देखिए लिमिट x tending to 0 plus 1, राइट। फिर से x को रिप्लेस करते हैं 0 प्लस h से, क्या करके बताया था कि x tending to 0, x is replaced by 0 plus h, इसमें x नहीं है तो 1 ही रहेगा, और h की जगह 0 पुट कर रहा है, h नहीं है तो, राइट। आप ध्यान दीजिए क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम आ रहे हैं, देखिए क्या लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस वन और राइट हैंड लिमिट कितनी है, प्लस वन, नॉट इक्वल। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट आर नॉट इक्वल एंड सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। भाई होगा, देखिए लिख दे रहे हैं जीरो पे जो लिमिट है, सिंस पढ़ा लिख देते हैं, सिंस लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 प्लस एफ एक्स, सो लिमिट extending to 0 fx does not exist, does not exist, okay, exist नहीं करेगी, okay। अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, okay, ध्यान दीजिए, इसी का हम एक x से related क्वेश्चन लेते हैं, पहले आप क्वेश्चन लेंगे थर्ड, उसके बाद सेकंड, उसके बाद फिर आप क्वेश्चन पे अप्रोच आप किया जाएगी, okay, फिर हम बीच के कुछ क्वेश्चन लेके बाद। तो ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि x में फंक्शन गिवन है इसलिए देखिए क्या लिखा है, थोड़ा डिफरेंट भी है। अब फंक्शन fx इज डिफाइंड एज फॉलोस, और क्वेश्चन क्वेश्चन कहीं का हो, किसी राइटर का हो, एग्जांपल हो, डजंट मैटर, आपको प्रोसीजर आना चाहिए, मेथड आना चाहिए, यू कैन सॉल्व, ओके। और क्वेश्चन, अ फंक्शन fx इज डिफाइंड as follows, fx क्या गिवन है, देखिए x square if x is not equal to 1 and 0, sorry 1 दिया है, if x is equal to 1, ये function define है, क्या कहा है, prove that limit x tending to 1, prove that limit x tending to 1 fx is equal to 1, मतलब limit exist कर रही है, ये अगर आ जाए इस तरह से, इस वक्त तो limit exist कर रही है, उस limit की value कितनी आएगी, 1 है, right। एक बात और ध्यान रखना है, अगर left hand limit और right hand limit equal हो, उनकी value same आ गई, तो जो same value आई है, that is the limit of the function at that point, okay, ये ध्यान रखना, कि हमने लिमिट निकाला, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आ गए, तो जो इक्वल वैल्यू आती है, जितनी वैल्यू लेफ्ट हैंड की है, जितनी वैल्यू राइट हैंड की, दैट इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, ओके, ये तो इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 1 है। इस तरह के क्वेश्चन आपने 11th में भी किए होंगे, दिए हुए हैं बुक्स में, राइट। चलिए देखते हैं, फंक्शन ये दिया है, आप जानते हैं कि 1 पॉइंट कितना दिया, 1 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट और 1 पे राइट, जरा फंक्शन को समझिए, जब x की वैल्यू 1 नहीं होगी, इफ x इज नॉट इक्वल टू 1 देन fx इज टेकन एज x स्क्वायर, इफ x इज नॉट इक्वल टू 1 देन fx इज टेकन एज x स्क्वायर, इफ द वैल्यू ऑफ x इज 1 देन fx इज टेकन एज 1, व्हिच इज द फंक्शन, व्हिच इज द गिवन फंक्शन, ओके। ध्यान रखिए हम इसमें क्या कर रहे हैं, सबसे पहले आप जानते हैं
सॉल्यूशन में ये गिवन फंक्शन हो गया, आप लिख देंगे ऐसे सॉल्यूशन में गिवन फंक्शन, ओके इट इज द गिवन, ओके एंड वी हैव टू फाइंड बोथ लिमिट्स, लेफ्ट हैंड लिमिट एज वेल एज राइट हैंड, ओके देखिए लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस f, 1 पे कौन सी हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट 1 माइनस f राइट, 1 माइनस मींस x टेंडिंग टू 1 माइनस लेस देन 1 बट मींस नॉट इक्वल टू 1, से लेस है तो इक्वल कहाँ होगी, लेस देन वन मीन्स नॉट इक्वल टू वन, और जब नॉट इक्वल टू वन है तो एफ एक्स कितना लिया जाएगा एक्स स्क्वायर, ओके देखिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू वन माइनस एक्स स्क्वायर राइट। अब जो आज शुरू में मैंने बताया था कि एक्स को किससे रिप्लेस कर देना है वन माइनस एच से और एच टेंडिंग टू जीरो ले, देखिए क्या बताया था आप लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो ले लो h tending to 0 and x is replaced by 1 minus h puts right dekhiye okay ab jahan h hai wahan 0 rakhiye, jahan 0 rakhenge 1 minus 0 whole square means value kitni aa gayi 1 okay ye humne left hand limit calculate kar liya of the given function at x is equal to 1 1 pe ye left hand limit hai राइट नाउ राइट हैंड लिमिट इन अ सिंपलर वे अगेन राइट हैंड लिमिट अगेन राइट हैंड लिमिट एकदम इसी तरह से लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस f(x) x टेंडिंग टू 1 प्लस 1 प्लस मींस मोर देन 1 मींस नॉट इक्वल टू 1 नॉट इक्वल टू 1 का आपके फिर से फंक्शन कितना लिया जाएगा अगेन वी टेक द फंक्शन x स्क्वायर देखिए लिमिट x tending to 1 plus x square यहाँ आप क्या करेंगे क्या प्रोसीजर बताया था h tending to 0 take h tending to 0 and x is replaced by 1 plus h 1 plus h square h की वैल्यू 0 पुट करिए यानी 1 plus 0 square वैल्यू कितनी आ गई 1 ओके यानी लेफ्ट हैंड लिमिट में 1 आई राइट हैंड लिमिट भी 1 आई इट मींस लिमिट एग्जिस्ट एंड द वैल्यू ऑफ लिमिट विल बी 1 यहां लिखेंगे क्लियरली यहां लिख देंगे सिंस लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx 1 प्लस fx सो लिमिट एग्जिस्ट कहीं पूछे तो ये भी बता सकते हैं जवाब लिमिट एग्जिस्ट एंड therefore limit x tending to 1 हो जाएगा वही वैल्यू fx is equal to 1 राइट ये लिमिट हम लोग राइट वही बताया था जितनी लेफ्ट है इक्वल अगर है तो वही इक्वल वैल्यू क्या हो जाती है लिमिट हो जाती है ओके तो मान लो इसकी लिमिट ओके नाउ सेकंड क्वेश्चन लेकिन सेकंड क्वेश्चन हम बताएंगे आप लोग को इस तरह के क्वेश्चन से थोड़ा डर लगता है कि नथिंग कुछ नहीं होता है ओके देखिए बस इतना आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट सवाल के क्वेश्चंस में देखिए ये तो कंप्लीट कर लिया हमने सॉल्यूशन मोर बस इतना पता होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए कि जब सेकंड क्वेश्चन कराएंगे माइनस फाइव आएगा फाइव होगा मॉडुलस ऑफ फाइव आएगा भी फाइव होगा बस इतना मॉडुलस ओके बाकी अगर कहीं कुछ इस तरह का आएगा मॉड से रिलेटेड कोई थ्योरी तो आप में जब भी नहीं होगी यहाँ बस इतनी है ओके मॉडुलस ऑफ रियल नंबर्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ रियल नंबर्स इट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट वैल्यू ये एब्सोल्यूट वैल्यूज हैं रियल नंबर्स ओके चलिए देखते हैं और सेकंड क्वेश्चन सो दैट पहले बार बार कहा है क्वेश्चन कहीं का हो प्रोसीजर आना चाहिए चाहे वो एग्जाम्पल का हो अदर राइटर्स का हो एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो ओके देखिए क्या लिखा है प्रूव दैट लिमिट प्रूव दैट और सो दैट लिमिट एक्सटेंडिंग टू टू मॉड एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू डज नॉट एग्जिस्ट ओके हमें प्रूव करना है कि ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती
शो करना है एलिमेंट एग्जिस्ट कर रही है या एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, हमें प्रूव करना है कि उसकी लेफ्ट एलिमेंट और राइट एलिमेंट इक्वल नहीं आएंगे या इक्वल आएंगे। अगर हमें ये शो करना है इफ वी, हमें अगर प्रूव करना है कि डज नॉट एग्जिस्ट होगी दोनों एलिमेंट निकालेंगे लेफ्ट एलिमेंट एज वेल एज राइट एलिमेंट, और अगर एग्जिस्ट करना शो करना है तो भी हमें लेफ्ट एलिमेंट राइट एलिमेंट एलिमेंट निकालना है। Does not exist में दोनों limits equal, both the limits are not equal, और exist करेगी तो both the limits are equal, okay? First of all, limit x tending to q minus fx. fx आप दाग में देख रहे हैं यही बना हुआ है। Limit x tending to q minus mod x minus 2 upon x minus 2. Okay? fx में already दिया है। कोई कंडीशन नहीं दी है, लेस देन 0 ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 2 नथिंग इज फंक्शन इज डायरेक्टली गिवन, यू हैव टू टेक फंक्शन मॉड x - 2 अपॉन x - 2 राइट। अब प्रोसीजर पे आ जाइए, मैंने क्या कहा था टेक लिमिट s टेंडिंग टू 0 राइट, x टेंडिंग टू 0 लीजिए एंड रिप्लेस x, x को कैसे रिप्लेस करना, 2 - s जहां का x है उस जगह आप 2 - s ओके दैट्स एनफ मॉड 2 minus h minus 2 divided by 2 minus h minus 2 देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है राइट। ऊपर देखिए क्या आया, मैं एक लाइन बढ़ा दे रहा हूं, h tending to 0 mod minus h upon minus h, अब मॉडुलस की जो वैल्यू होगी आप जानते हैं प्लस आ जाएगा, लिमिट h tending to 0 h upon minus h कैंसिल होके कितनी हो गई minus, एच बचे में ही जीरो नहीं रखेंगे, ये कैंसिल हो गया माइनस वन है ओके बस ओके। इन अ सिमिलर वे वी हैव टू फाइंड अगेन, हम इसी में चेंज करेंगे आप दोबारा देखिए ओके, या हम दोबारा ले ले रहे हैं अगेन वी हैव टू कैलकुलेट, ध्यान दीजिए अगेन लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस fx means limit x tending to 2 mod x minus 2 upon x minus 2 applies similar right 2 plus okay kya kaha gaya tha take x tending to 0 and replace x by 2 plus h mod 2 plus h minus 2 divided by 2 plus h minus 2 you can say look यहां सीधे कैंसिल हो गया, मॉड एच आया ऊपर, मॉड एच की वैल्यू भी एच ही आएगी अपॉन एच कैंसिल हो गया, ये लेफ्ट एलिमेंट माइनस वन आई थी और राइट एलिमेंट प्लस वन आई, इक्वल नहीं आए, डज नॉट एग्जिस्ट, अब रिजल्ट लिखने की बारी है ओके क्लियर हो जाना चाहिए ओके। नाउ वो यहां देखिए रीजन क्या लिखेंगे, सिंस लिमिट x tending to 2 minus fx या हम पूरा यही लिख रहे हैं mod x minus 2 और लिमिट x tending to 2 mod x minus 2 upon x minus 2 is not equal to limit x tending to 2 plus mod x minus 2 upon x minus 2 equal value नहीं आई है, so limit x tending to 2 mod x minus 2 upon x minus 2 does not exist okay clear ho jana chahiye ek question aur kara de rahe hain isme dekh lijiye क्वेश्चन नंबर 8 ओके इसमें देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड आरएचएल एंड एलएचएल ऑफ द फंक्शन, देखिए फाइंड एलएचएल 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 मींस लेफ्ट हैंड लिमिट एंड आरएचएल मींस राइट हैंड लिमिट ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू x square minus 1 upon mod x minus 1
at x tending to 1 means x is equal to 1 भी यहाँ लिखा हो सकता है, x tending to 1 भी लिखा हो सकता है, right? ध्यान रखिएगा इसका मतलब x की वैल्यू a ही है, ओके? देखिए कैसे सॉल्यूशन में फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड गिवन फंक्शन, ये हो गया फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड लेफ्ट एलिमेंट एट x is equal to 1 x tending to 1 minus h और x tending to 1 plus h. देखिए लिमिट x tending to 1 minus fx लिमिट x tending to 1 minus fx की वैल्यू रख दीजिए x square minus 1 upon mod x minus 1, ओके? फिर जो प्रोसीजर बताया था लिमिट x tending to 0 जहां जहां x है वहां वहां 1 minus h लिमिट upon 1 minus h minus 1 लिमिट x tending to 0 होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए यहां पर 1 minus 2h ओके प्लस h स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय यहां से कैंसिल हो जाएगा माइनस h का मॉड h लिख दीजिए लिमिट h tending to 0 यहां से देखिए 1 और 1 कैंसिल हो गया ऊपर से h कॉमन ले लीजिए क्योंकि इंडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगा अगर 0 plus 0 upon h 0 upon 0 indeterminate आ जाएगा इसलिए h common करिए minus 2 plus h upon h cancel हो गया अब h की वैल्यू 0 रख सकते हैं तो यहाँ 0 रखेंगे तो limit आ गई minus right cancel होने के बाद h की जगह 0 रखेंगे minus 2 okay now right hand limit ये कौन सी limit हो गई जहाँ जो solution में हम लोगों ने शुरू किया था it is LHL you can write flex it LHL again RHL अब हम लोग इसी वैल्यू कैलकुलेट करें RHL की again RHL RHL means limit x tending to 1 plus fx देखिए 1 plus fx means limit x tending to 1 plus x square minus 1 upon mod x minus 1 limit x tending to 0 जहां जहां x है वहां वहां 1 plus h कर देंगे mod 1 plus h minus 1 देख लीजिए होल स्क्वायर ओपन करिए यहां से ये कैंसिल हो जाएगा मॉड प्लस h का h ही आ जाएगा होल स्क्वायर ओपन करिए h tending to 0 1 plus 2h plus h स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय h ये कैंसिल हो गया इस समय अगर h रखेंगे तो 0 पर 0 आएगा इंडिटरमिनेट फॉर्म ऊपर से h कॉमन लेके कैंसिल कर h 2 plus h upon h कैंसिल हो गया जो बचा आप देख सकते हैं h tending to 0 2 plus h यहां h की जगह 0 रख देंगे 2 यानी हम लोगों ने दोनों वैल्यू कैलकुलेट कर therefore LHS कितनी आई therefore LHS की वैल्यू आई minus 2 और RHS की वैल्यू आई plus 2 doesn't exist अगर पूछता तो limit इसमें exist नहीं करेगी right तो I think अब आप limit पे questions कर लेंगे और अब हम और क्वेश्चन नहीं बताएंगे क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है आप लोग बोर होते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यूटी पे बेस्ड क्वेश्चंस कराएंगे कि कंटिन्यूअस है या नहीं है राइट वी हैव टू चेक वेदर या प्रूव करना आ जाए कि कंटिन्यूअस है या नहीं है तो नेक्स्ट टाइम पे करेंगे ओके और समझ में आया हो